हेलो एवरीवन माय नेम इज़ रिद्धि इस लेक्चर में हम लोग मार्क्सिस्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे तो थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमारी यूनिट टू पॉइंट वन है जिसमें स्टेट सॉवरेनिटी है मार्क्सिस्ट एंड प्लूरलिस्टिक थ्योरी ग्लोबलाइजेशन एंड द स्टेट तो इसमें प्लूलिस्टिक थ्योरी जो है हमारा एडवांस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी कि स्टेट सोवरेनिटी क्या है मार्क्सिस क्या है ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आज के लेक्चर में हम लोग मार्क्सिस थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी क्वेश्चंस जो है मार्क्सिस थ्योरी पर पूछे जाते हैं और थ्योरी ऑफ स्टेट और सॉवरिनिटी हमने थोड़ा सा अलग अलग किया है जिसमें हमने मार्क्सिस uh, थ्योरी में 2019 से ये क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑफ मार्क्सिज्म डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में ऑल्सो पी एस आई आर ऑप्शनल कोर्स चल रहा है और सोनाप्स आई एस डॉट इन ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं कोर्स परचेज करने के लिए सो दिस इज़ सोनाप्स आई एस डॉट इन ये वेबसाइट पर आप जा सकते हैं एंड यहाँ पर ऑप्शनल क्लासरूम अगर आपको चाहिए पी एस आई आर तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और अगर पी एस आई आर टेस्ट सीरीज़ आपको चाहिए तो टेस्ट सीरीज़ हमारी प्रीलिम्स के बाद आ, स्टार्ट होगी ऑल दो तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो और यहाँ पर आपको मिल जाएगा पी एस आई आर ऑप्शन ट्वेंटी वन के लिए चाहिए ट्वेंटी टू या फिर ट्वेंटी थ्री के लिए चाहिए वो आप अपने आप देख सकते हो आप जब हम मार्क्सिस थ्योरी ऑफ सॉब्रेनिटी पढ़ते हैं तो आ... हमें मार्क्सिस्ट अप्रोच के तरीके से अगर हम स्टेट को प्रिसाइजली मार्क्सिस्ट अप्रोच के ढंग से देखना चाहते हैं कि मार्क्सिस्ट अप्रोच ने सॉवरेनिटी के डॉक्ट्रीन के बारे में क्या कहा था तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ना ही मार्क्स ने और ना ही एंगल्स ने इस सॉवरेनिटी को थ्योरी ऑफ सॉवरनिटी को कुछ खास एनालाइज़ किया है बट अगर हम मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी देखते हैं तो हम सॉबरेटी के कुछ एलिमेंट्स यहाँ से निकाल सकते हैं तो मोस्टली मार्क्स ने किसके बारे में बात की थी कैपिटलिज्म के बारे में बात की थी, थी। काफ़ी क्रिटिकल थे वो कैपिटलिज्म के लिए और आप मार्क्सिस्ट स्टेट थ्योरी पढ़ोगे तो उसके लिए आपको कैपिटलिज्म का क्रिटिक और जो उन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में और सोशलिज्म के बारे में एनालाइज़ किया था तो एक एनालिटिकल टूल के पर्स्पेक्टिव से आप देख सकते हो कि अभी एग्जिस्टिंग कैपिटलिज्म आज की सोसाइटीज़ में आप कैसा चल रहा है उसको इंटरप्रेट कर सकते हो उसको देख सकते हो ठीक है तो कुछ पॉइंटर्स इसके रिगार्डिंग हैं उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे तो मार्क्सिस थ्योरी को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली मार्क्सिस थ्योरी इसलिए अपील करता है लोगों को कि ये सोसाइटीज़ के एवोल्यूशन के बारे में बात करता है कि सोसाइटी जो है वो कैसे uh, उभर के आई है और ये जो एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी है मार्क्सिज्म का ये जो डार्विन का जो आइडिया है एवोल्यूशन ऑफ़ नेचर का उससे काफ़ी मिलता जुलता है ठीक है कि कैसे एवोल्यूशन ऑफ़ नेचर हुआ था चार्ल्स डार्विन का ये जो आइडिया था एवोल्यूशन ऑफ़ नेचर का उससे काफ़ी मिलता जुलता है सिमिलर है कि लोग जो है वो बढ़ते जाते हैं और जैसे ह्यूमंस जो हैं वो आगे और बढ़ते जाते हैं और उनके जो हायर्स होंगे जो हरारकी होगी वो भी और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और इस वजह से रिसोर्स जो है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाएंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा ये सब मार्क्सिज्म बात करता है ठीक है और चार्ल्स डाविन ने यही एवोल्यूशन ऑफ़ नेचर के बारे में बात की है अब जो मॉडर्न स्टेट है अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो उसमें कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है और कोई अलग फंक्शनस भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो मॉडर्न स्टेट को थोड़ा सा हम ये भी देख सकते हैं कैपिटलिज्म जो है वो अपने साथ एक मॉडर्न सोसाइटी लेकर के आया था एक ऐसी मॉडर्न सोसाइटी कैपिटलिज्म के साथ आई थी जो कि साइंस पर बेस्ड थी सेक्युलर थी वेल्दी थी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक भी थी और साथ में ह्यूमन लिबरेशन भी प्रमोट करती थी बट उसका क्रिटिसिज्म क्या था कि वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन करती थी तो अगर हम सोशलिस्टिक फ्यूचर के बारे में पढ़ें और देखें तो उसमें क्या था कि कैपिटलिज्म जो है उसको ये ट्रांसेंड करता है कैसे कैपिटलिज्म के जो एक्सप्लॉयटिव एलिमेंट्स है उसको ये देखता है तो बेसिकली जो भी आपका सोशलिज्म है वो कैपिटलिज्म के बियॉन्ड चला जाता है ठीक है और वहाँ जाके कैपिटलिज्म के जो जो एक्सप्लॉयटेटिव एलिमेंट्स हैं उसको हटाता है तो सोशलिस्टिक फ्यूचर इसके बारे में बात करता है और ये एक्सप्लॉयटेटिव एलिमेंट्स कैपिटलिज्म के कौन कौन से हैं तो एक है डोमिनेशन ऑफ कैपिटल और मार्केट रिलेशंस ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इसमें क्या था कि ये जो सोशलिस्टिक फ्यूचर्स इसके बारे में बात करता है कि हम कैपिटलिज्म के एक्सप्लोरेटिव एलिमेंट्स जो डोमिनेशन ऑफ कैपिटल मार्केट रिलेशन इसको हटाएंगे जो कि आपकी प्रोग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा है और साथ में विद टाइम आपके इमानसिपेशन के लिए काफ़ी अच्छा है कि आपके लिब्रेशन के लिए अच्छा है ठीक है और इकॉनमी एक ऐसी बननी चाहिए जो कि पब्लिक गुड के लिए हो ना कि पब्लिक के प्रॉफिट के लिए हो और रियल पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो ये बात करता है सोशलिज्म इसीलिए सोशलिज्म को एक हायर देखा जाता है एनलाइटनमेंट का ठीक है कि सोशलिज्म जो है वो आपका एनलाइटनमेंट है ठीक है ये देखा जाता है तो कार्ल मार्क्स की जो है वो अगर हम आज भी देखते हैं तो आज भी अलाइव हैं और आज भी आज के टाइम में भी वो काफ़ी रेलिवेंट हैं आज के टाइम में भी कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ आप देख सकते हैं वो काफ़ी रेलिवेंट है आज की सोसाइटीज़ पे काफ़ी अच्छे से लागू भी होते हैं और आज के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं कैपिटलिज़म के द्वारा जो फेस की जा रही है ट्वेंटी सेंचुरी में उसको भी काफ़ी अच्छे से कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ एड्रेस करते हैं और उनके जो आइडियाज़ हैं मैथड्स हैं एनालिसिस के वो आज का वर्ल्ड इंटरप्रेट करने के लिए भी यूज़ कर किए जा सकते हैं कि अगर आपको एक पॉजिटिव चेंजेस अपने वर्ल्ड में लाने हैं तो तो ऑल इन ऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि किसके बारे में कौन से पॉइंटर्स के बारे में ये बात करता है मार्क्सट uh, थ्योरी तो वो देख लेते हैं तो यहाँ पर बेसिकली मार्क्सट थ्योरी ऑफ सॉवरिनिटी जो है वो कुछ एरियाज़ पर बात करता है जैसे आपका जो पहला एरिया है वो है कि आपकी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है सबसे पहले हमने देखा जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया दूसरा आपका मेजर पॉइंट ये हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा ही यूज़ किया जाता है तो दिस इंस्ट्रूमेंट इसको यूज़ किया जाता है कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा ठीक है और ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है ये क्लास है इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास ठीक है ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया अब है आपका तीसरा पॉइंट इसमें है कि जो वेस्टर्न कंसेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का इसमें पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो स्टेट में ही लोकेटेड है तो आपका जो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें जो आपकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ये है आपका थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट जिस पर मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी बेस्ड है कि सिंस ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है ये स्टेट को यूज भी करती है और कंट्रोल भी करती है कैपिटलिस्ट क्लास यूजेस एंड कंट्रोल्स स्टेट ठीक है दोनों ही चीज़ें यूज़ भी कर रही है और कंट्रोल भी कर रही है स्टेट को पर रियल सिचुएशन में सॉवरीन पावर जो होती है वो कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा ही एक्सरसाइज की जा रही है इसका मतलब यही हुआ ना अगर कैपिटलिस्ट क्लास स्टेट को यूज कर रही है और कंट्रोल कर रही है इसका क्या मतलब हुआ कि असली सॉवरीन पावर किसके हाथ में है कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में है तो रियल सॉवरीन पावर इज विद कैपिटलिस्ट क्लास्ट ठीक है फिफ्थ पॉइंट कैपिटल क्लास जो है वो डायरेक्टली रूल नहीं करती और स्टेट मशीनरी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती है तो कैपिटलिस्ट क्लास डायरेक्टली ना ही स्टेट को रूल करती है ठीक है ना ही स्टेट को रूल करती है और ना ही कंट्रोल करती है डायरेक्टली नहीं करती है ठीक है ये चीज़ है कि स्टेट मशीनरी को ये कुछ ना ही डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है ना रूल कर रही है सिक्स पॉइंट अब आपका आता है कि कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कैपिटलिस्ट क्लास के वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है अलग अलग गवर्नमेंट के ब्रांचेस में ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन से गवर्नमेंट के ब्रांचेज होते हैं जैसे कि आपका लेजिस्लेचर हो गया ठीक है जुडिशरी हो गया एग्जीक्यूटिव हो गया तो ये आपके अलग अलग ब्रांचेज़ ऑफ गवर्नमेंट हो जाते हैं तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट क्लास जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज देती है कि ये हमारे लिए काम करेंगे और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास डायरेक्टली रूल नहीं करती है स्टेट को ठीक है तो ये चीज़ है कि अब स्टेट कैसे एक्सरसाइज करता है सॉबरीन पावर को इम्प्लीमेंटेशन जो है सॉब्रीनिटी का कैपिटलिस्ट क्लास में वो अलग अलग स्टेजेस में जाता है तो बेसिकली स्टेट जो है वो एक रियल एक्टर बनती है जो जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन हो गए वो जो है वो स्टेट के नाम पर ही लिए जाते हैं और स्टेट के द्वारा ही लिए जाते हैं तो इसलिए स्टेट जो है वो एक रेपजटरी है बेसिकली जितना भी सुप्रीम कोर्सिफ पावर होती है आपकी और ये पावर जो है वो स्टेट के द्वारा ही अप्लाई की जाती है ताकि सिटीजन से एक ऑब्लिगेशन जो है वो इंश्योर किया जा सके तो इसलिए सॉवरीन पावर ऑफ स्टेट जो है वो एब्सल्यूट है सावरीन पावर ऑफ स्टेट इज एब्सोल्यूट ये पॉइंटर्स आपको नोट करने या आप ध्यान भी रख सकते हैं क्योंकि ये अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अच्छे पॉइंट्स हैं आप इनको अगर अपने आंसर में इनकलकेट कर लोगे तो आ, अच्छा रहेगा ठीक है एक अच्छा आंसर आपका बन जाएगा और सिर्फ पॉइंटर्स है पॉइंटर्स ध्यान रखने बहुत ईजी होते हैं कंपेरेटिवली कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स लर्न करो तो पॉइंटर्स आप ध्यान में रख लोगे और ये सारे पॉइंटर्स आप देख लो इंटर कनेक्टेड ही हैं कुछ ऐसा अलग पॉइंटर नहीं है इसमें सब इंटरकनेक्टेड है ये पॉइंटर्स आप याद कर लोगे इन पर दो 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 लाइन भी लिख दोगे आपका आंसर कंप्लीट हो जाना है कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो इतना तो देखो आपको आना चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 का ही क्वेश्चन है कोई ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन बहुत बाद में आया बहुत पहले पूछा हुआ है तो इसीलिए लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोबारा भी पूछा जा सकता है ठीक है तो ये आपके पॉइंटर्स हैं ये था आपका आ, पूरा चैप्टर मार्क्सिस थ्योरी ऑफ सॉवेनिटी का ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑल इन ऑल मार्क्सिज्म ने जो बात की है थ्योरी ऑफ सॉवरनिटी में वो यही किया कि जो स्टेट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो जो है वो इसीलिए इस्तेमाल की जाती है कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा कि ताकि जो वर्किंग क्लास है जो आपका आम आदमी है कॉमन पीपल है उनकी जो डिमांड्स हैं उसको दबाया जा सके सप्रेस किया जा सके और इसी तरीके से वो एक्सप्लॉयट करता है वर्किंग क्लास को जो आपके आम लोग हैं उनको एक्सप्लॉयट करती है कैपिटलिस्ट क्लास तो यही है इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ये यहाँ पर बात की हुई है ठीक है तो इतनी ही बात जो है आपको ये ध्यान में रखनी है ठीक है और इसी पर बेस्ड है आपके सारे पॉइंटर्स बस ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर इस ये नोट्स वगैरह लेने के लिए आप सनाप्स आई डॉट इन की वेबसाइट पर जा सकते हैं और ये पी एस आई आर नोट्स यहाँ से ऑप्शनल में आपको सारे मिल जाएंगे